जश्न के साथ वो मैं आदा बता इकट्ठा रहूं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जी मंसूर साहब क्या बताना चाहेंगे जो आज आपने किश्तवाड़ हेडक्वार्टर के अंदर जश्न किया। हमारा जश्न जो हमारी जीत थी डॉक्टर साहब की जीत थी और जो अपोजिशन वाले बता रहे थे कि इस बार नहीं हुआ है तो क्यों कर रहे हो ऐसे कहाँ से हो रहा है दो दो मोबाइल है ना बोलो जी मंसूर साहब क्या बताना चाहेंगे इस जश्न को लेकर सर क्या बताना चाहेंगे। हमारी आज की जीत ऐतिहासिक जीत है। जो लोग हमें बता रहे थे इलेक्शन के पहले कि आप लोग ये सीट हार चुके हो उनके मुंह पे तमाचा है। जो हमने आज उनको दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार जिसने बहुत कोशिश करने के बाद इस सीट को जिताया। सब लोगों ने इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी जितने भी बाकी पार्टियां थी उन्होंने बहुत जोर दिया था कि ये सीट हम लाल सिंह को जिता दें ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये हमारी एक बहुत अच्छी जीत है। इसीलिए हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त हमारा जो नेता है श्री सुनील शर्मा जी की अनगिनत कोशिश से और पार्टी के बाकी नेताओं की कोशिशों से ये सीट हमने जीत ली। जी शाकिर साहब क्या बताना चाहेंगे आप इस जश्न को लेकर। देखिए आज जो जश्न हुआ है ये एक जिला किश्तवाड़ में नहीं है बल्कि पूरे भारत में आज जश्न हुआ है। ये एक ऐतिहासिक जश्न है। जो आप देख रहे थे कि एनडीए सरकार ये इंडियन अलायंस सरकार ने जो ये बोला था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी, लेकिन आज उन देश के लोगों ने देश के मतदान से इन लोगों को बता दिया कि देश के हित के लिए जो देश के लोगों ने वोट किया और आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुनने में जो लोगों ने मतदान किया आज आप उसका उसी का सेलिब्रेशन आप जिला किश्तवाड़ में भी देख रहे हो कि जिला किश्तवाड़ में आज जो सब पार्टियां चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस थी पीडीपी थी या अदर्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने एक गुट बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हरा दे, लेकिन लोगों ने उस उनके उस गुट को नकारा और भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत बड़ी जीत दी। और सबसे बड़ी जीत आज हमारी यह है कि एक परिवारवाद की जो हार हुई आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज उमर अब्दुल्ला की बहुत बड़ी हार और इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घर आज खत्म हो गया ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है कि आज परिवारवाद खत्म हो गया और लोगों ने खुल के बताया कि इस देश में अब लोगों को समझ आ गई है कि परिवारवाद जो था ये अपने लिए था। अब लोगों ने खुल के मतदान किया और लोगों ने अपनी मर्जी से कैंडिडेट को यहाँ जीता। विनीत जी लाखों की तादाद में भाजपा पार्टी ने वोट हासिल किए तो क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे हिंदुस्तान को और जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके लोगों को सबको मुबारकबाद दूंगा। ये बहुत खुशी का समय है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी जीत ली है यहाँ पर, एक शानदार जीत ली है और एक शानदार तमाचा बचा है कांग्रेसियों के मुंह पे। जो ये कांग्रेसी बताया करते थे कि इस बार जो है लाल सिंह हर जगह दिखेगा, तो मुझे लगता है ये लाल सिंह अब पीला सिंह हो गया और आज के बाद लाल सिंह का कैरियर जो है वो खत्म हो गया है। तो लाल सिंह की ये आखिरी इलेक्शन था तो हम लाल सिंह को भी बाय बाय लाल सिंह करते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हैं। अब हमारे
पूरे किश्तवाड़ का और पूरे जम्मू कश्मीर का सपोर्ट लाल सिंह जी के साथ जो है, यहाँ के जो लाल सिंह जी जो थे, ये यहाँ के कांग्रेसी जब किश्तवाड़ में आए और यहाँ के जब लोगों को बताया उन्होंने कि यार यहाँ पे हम जो है एक तरफा जीत लेंगे, 200-300, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की लीड से जो है लाल सिंह जीतेगा, लेकिन लाल सिंह अब कहीं पे भी नहीं दिखेगा। आज के बाद यहाँ पर चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखेगा। मैं एक बार सभी लोगों को बोलूंगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी इसी तरीके से जैसे आज डॉक्टर साहब को जिताया है, आने वाले वक्त में दोबारा एक बार डॉक्टर साहब, ये पूरे सुनील शर्मा जी और बाकी लोगों को जिताएं और एक बार सभी लोग मेरे साथ नारा देंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फारूक साहब, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार घोषित की है, तो क्या बताना चाहेंगे, चुन के आई है? ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था, जब पहला चरण का चुनाव हुआ था तभी रिजल्ट हमारे सामने आए थे और हमको पता था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आज ये सपना साकार हुआ। 4 जून को सभी देशवासियों को बड़ी बेताबी से इंतजार था इस तारीख की और आज 4 जून को जब परिणाम सबके सामने आए और मोदी जी एक बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी जीत अगर जो आज हमारी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो खानदानी राज का खात्मा हुआ, 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इन दोनों की हार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट जाता है इस वक्त, क्योंकि आर्टिकल 370 की अब्रोगेशन और 35A की अब्रोगेशन के बाद जो यहाँ नारा देते थे कि यहाँ इस जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं कोई होगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का वो कोई पंचायत नहीं है, कोई वार्ड नहीं है, कोई गांव नहीं है जिस जगह पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है। लेकिन आज ये जो खुशकिस्मती की बात है कि आज हमें अपनी जीत से ज्यादा इनकी हार में हम जश्न राज मना रहे हैं, खानदानी राज का खात्मा हुआ, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की हार जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जी क्या बताना चाहेंगे आप भी, ये जो आज पूरे देश के अंदर भाजपा पार्टी ने फिर से सरकार बनाने का काम किया है। दीपक जी, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि यह जो है जीत छोटे से छोटे वर्कर की और बड़े से बड़े वर्कर की जीत है। यहाँ का भाईचारा, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस भी मजहब से तलक रखते हैं, उन्होंने इस बार बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो कि डेमोक्रेसी हमें हक देते हैं। हम किसी की बात बताए बिना ये कहते हैं कि ये भाजपा की जो जीत है आज, ये पूरे देश की जीत है। नरेंद्र भाई मोदी जो है वो तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि किश्तवाड़ का विकास हो, इस बीजेपी के बैनर तले यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ के गरीबों के बारे में सोचा जाए, यहाँ की बेरोजगारों के बारे में सोचा जाए, यही हमारा जो मुद्दा है, न कि और कोई मुद्दा होगा। जो सबसे जो बिदत है इस वक्त हमारे किश्तवाड़ में वो बेरोजगारी है, जिसको मिटाने के लिए हमें जी जान से काम करने की कोशिश की जानी चाहिए। हम अपने महान मंत्री, संगीन जो मंत्री हैं यहाँ के, श्री सुनील जी शर्मा जो इस वक्त स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनसे भी यही हमेशा निवेदन करते हैं कि अपने पार्टी के बैनर तले वो बेरोजगारों के बारे में सोचे, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, यहाँ की जो जो भी है आपका बारे में। जी बढ़ियाल साहब, क्या बताना चाहेंगे, इतना बड़ा जश्न आज पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। दीपक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से देश के अंदर जो लोकतंत्र के रूप में ये राष्ट्र पर्व जो मनाया जा रहा था, आज इसका आखिरी पड़ाव था, गिनती थी, और आज तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो नेहरू जी के बाद अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति ऐसा है
जो इस महान देश का नेतृत्व तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये अवसरवादी गठबंधन जो भ्रष्ट से लिप्त थे और अपने भ्रष्टाचार को, अपने चोरियों को, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जिस तरह से इन्होंने एक चक्रव्यूह रचाया था भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, आज ये पूरी तरह से विफल हो गए। और इसके बावजूद आज देश की जनता ने एनडीए को संपूर्ण बहुमत दे दिया है। और जिस तरह से जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रचार किया जा रहा था कि कांग्रेस जो है दोनों सीटें यहां से जीत रही है और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसी चपेट जो है आज इन लोगों को उनके मुंह पे मारी है कि आज न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी है बल्कि कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व करने वाला उमर अब्दुल्ला था आज वो खुद जो है इंजीनियर रशीद से चुनाव हार चुका है। और हमें इसकी खुशी बेहद है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से भारी बहुमत देकर परिवाद को आपको नकारा है और आम लोगों के हक में जो अपना वोट दिया है हम इसका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से जम्मू सूबे के अंदर चाहे उधमपुर हो या जम्मू के अंदर हो आज भारतीय जनता पार्टी ने 1,00,000 से जायद वोटों से जिस तरह से एक बार तीसरी बार जो है इस जीत को निश्चित किया है, हम जम्मू कश्मीर की जनता को एवं भारत की जनता को हम दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद देते हैं। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोगों का फैसला आता है वो सर्वोपरि है, माननीय है, इसमें कोई जीतता कोई हारता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और तीसरी बार इस देश की जो क्या कहते हैं भविष्य प्रधानमंत्री संभालने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब इनके अलावा भी भाजपा पार्टी के महिला मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजलि सिंह चौहान से भी बात करेंगे। जी अंजलि मैम, तीसरी बार इस बार भाजपा पार्टी की सरकार फिर से चुन के आई है तो क्या बताना चाहेंगे? जी दीपक जी, मैं सभी को उसके लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उस हर वर्कर को देना चाहती हूँ जिन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी जो इलेक्शन के दौरान में जो है बहुत सारा मेहनत की। मेरी महिलाओं ने भी जोर शोर से जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, हर जगह हर कोने कोने तक वो पहुंची, उनका सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। क्योंकि एक जीत जो एक विशाल रूप से जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब जी ने जो जीत उनके सर पे जो सहरा बंधा हुआ है उसके लिए जो योगदान है हमारे उन सभी वर्कर्स का है, चाहे वो किसी भी मोर्चे से हैं, महिला मोर्चा से हो या किसान मोर्चा से हो, ओबीसी से हो या माइनॉरिटी मोर्चा से हो, सबका जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है हमारे हर वर्कर ने जो है बिल्कुल जी जान से जो है मेहनत की हुई है, जिसका रंग जो है आज हमें दिख रहा है कि एक बड़ा अच्छे से डॉक्टर जितेंद्र साहब जी जो है बड़े अच्छे मार्जिन से जो है वो जीत रहे हैं। और इसकी जो इसका जो सहरा है हम सभी जितने भी हम सारे वर्कर्स है बीजेपी उन सबके सर पे जो है ये सहरा लगता है, जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अब जो डॉक्टर जितेंद्र साहब जी हमारे उम्मीदवार जो है यहाँ से चुने गए हैं लोकसभा के लिए, तो जिनकी भी जो भी डिमांड्स रहती हैं जो भी हैं हम सब आपके साथ हैं, आप सब अपनी चीजें जो अपनी डिमांड्स हैं हम सबके पास पहुंचाइए, हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे और आगे जो है वो लोकसभा में जो है हम अपनी बात रखेंगे और अच्छे से मिलके जो है हम सब काम करेंगे। धन्यवाद। सर, इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर जिसके साथ किश्तवाड़ के अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे इस जश्न को, कैसे क्या देख रहे हैं आप? देखे, मैं सबसे पहले किश्तवाड़ की जनता को और उसके साथ साथ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही डिसिप्लिन वर्कर रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार हम यहाँ से लोकसभा में भेज रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो तीसरी बार यहाँ से जीत रहे हैं। देखें, इस इलेक्शन में कुछ ऐसे ग्रुप इकट्ठे हुए थे
जिनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, कोई घास चोर था, कोई स्पर्म चोर था, कोई क्या था, ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनकी वो जितनी वो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई है। और खासकर मैं आपको बता, अपने जम्मू कश्मीर की जो मैं बात करूंगा, यहाँ हमेशा दो खानदानों ने राज किया था, वो था महबूबा मुफ्ती खानदान और दूसरा था फारूक अब्दुल्ला का खानदान। अब इसमें यह अमर अब्दुल्ला का हारना और महबूबा मुफ्ती का हारना ये जाहिर यहाँ करता है कि खानदानी राज आज के बाद यहाँ नहीं चलेगा। बाकी मैं दोबारा तमाम जनता को, तमाम वर्कर्स को, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अनुशासित सिपाही की तरह काम किया और डॉक्टर साहब को एक अच्छे मार्जिन से जिताया। शाम तक शायद ये लीड और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक गिनती जारी है, गिनती भी पूरी नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो 1,00,000 से बहुत ज्यादा लीड यहाँ से पकड़े। इतना ही मैं नहीं कहना, जय हिंद। जी रंजीत जी, क्या बताना चाहेंगे जश्न को लेकर आते जोर से? आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है कि डॉक्टर साहब इस कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीसरी बार जीतकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं। लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से वो लीड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने शाम तक शायद 1,00,000 से या 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत जाएंगे। मैं सबसे पहले जो जीत का सेहरा अगर किसी को दूंगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, उनकी नीतियों को। और ये जीत का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जिन्होंने गांव-गांव में जितनी मेहनत की है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब ने देखा कि इतनी ज़बरदस्त मेहनत की वर्करों ने, कार्यकर्ताओं ने, ना बारिश की परवाह की, ना बर्फ़ की परवाह की, ना किसी फ्लड की परवाह की, और डॉक्टर साहब को जिताने में जो अहम रोल अदा किया वो अगर किया केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय इस जीत का सारा सेहरा लगभग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं देना चाहता हूं और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि हमारी एनडीए की सरकार जो ही बनेगी तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अच्छे और भी अच्छा करेगी कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। और ये सबसे बड़ी जीत अगर हुई है तो लोकतंत्र की जीत हुई है, जो जनादेश मिला है तो लोकतंत्र की जीत हुई है, अगर हार हुई है तो और केवल राष्ट्र विरोधी तत्वों की हार हुई है, राष्ट्र भक्त विचारधारा की जीत हुई है। लोगों ने राष्ट्र भक्त विचारधारा को वोट किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है। धन्यवाद।